गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और आज हम लोग का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सर जी। उम्मीद करते हैं 4था लेक्चर तक आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, अच्छे तरह से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, क्योंकि 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं तो आप बहुत अच्छे से आए होंगे पढ़कर, क्योंकि आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बॉडी लेवल का है, आईएससी का है सारा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन है और कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोग लेक्चर पढ़ रहे होंगे सर, बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आपको हम भी बोलना चाह रहे हैं कि और भी बहुत सारे आपके जो फ्रेंड होंगे उनको भी आप लेक्चर पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड लेवल से बहुत ऊपर नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ गए? बहुत अच्छा, मतलब बोर्ड लेवल और जेई मेंस का एडवांस का बहुत अच्छे से हम क्या कर रहे हैं कि ध्यान में रखकर लेक्चर को बना रहे हैं। जितना भी हमको जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक तो सारा कवर कर लेंगे, बट जितना भी जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन रहेगा उसको सारा अलग से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करके अपलोड कर देंगे वीडियो। इसलिए अपने फ्रेंड को किसी से भी शेयर करके आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और भी अपना फ्रेंड से करवा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मतलब कि लाइक और सब्सक्राइब रहता है बहुत अच्छा लगता है देखने में कि बड़ा मेरा इतना लाइक बढ़ा, इतना सब्सक्राइब हुआ। और कभी कदाल कमेंट भी कर दिया करें सर, हाँ, कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ गए? तो बहुत अच्छा लगा कि 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किए, तो बहुत सारे बच्चा का रिप्लाई आ रहा था सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, बहुत सारे बच्चा का आया, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा इतना सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहा है। तो और आप कितने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि सर पढ़ लीजिए, हाँ बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। जो 4-5 कम से कम 10 बच्चे से हम 2 दिन के पीरियड में बात क्योंकि बोला सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा और बहुत लेवल का लेकर जा नहीं रहे, तो कोई दिक्कत का भी बात है नहीं। तो आप आराम से किसी फ्रेंड को भी बोल सकते हैं जो गांव में पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और हम जितना भी मेन से एडवांस लेवल कराएगा बिल्कुल अलग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टच सारा टॉपिक करते हुए चले जाएंगे, तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा कि बहुत टफ चल रहा है मैथ। ठीक है सर, तो आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारा 1 या 2 लेक्चर और हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा, किससे रिलेटेड बहुत अच्छा का। और 5 नंबर का था आपका आईएससी में आएगा है, या आप सीबीएसई पढ़िए या आप बिहार बोर्ड से पढ़िए या एनीवे कहीं से भी रहिए आप, हाँ कोई भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको 5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी उम्मीद से आज पढ़ रहे होंगे सर कि आप 1st से लेकर 4th लेक्चर तक बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे, तब आज जाके लेक्चर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए सर, क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है कि इफ़ ए बी सी आर अनइक्वल, तीनों क्या है सर जी, अनइक्वल है, अलग अलग है, समझ रहे बात को, तीनों क्या है सर, अलग अलग है, देन सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज निगेटिव। तो इसका जो वैल्यू है ए बी सी जो ये लिख रखा है ये हमारा क्या है सर, निगेटिव है। इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू हम लोग सॉल्व करके लाएंगे, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, जबकि ए बी सी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। हम ये भी शो करके देखेंगे कि इक्वल हो जाता तब क्या होता, तब क्या प्रूफ करने के लिए बोल सकता, अगर ए बी सी है तो अगर अनइक्वल है तब क्या होगा, दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो क्या दे रखा है सर कि इसको पहले प्रूफ करने बोला है, तो हम लोग बाई प्रॉपर्टी से ही जाएंगे। तो क्या देखिएगा, एक देखिए कॉमन कि अगर ऐसे 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 ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर से भी ऐड कर रहे थे ए प्लस बी प्लस सी, इधर से भी करेंगे, तीनों रो को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। अगर आप ऐसे ऐसे ऐड कर रहे होंगे तब पर भी ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। तो आप कैसे भी जा सकते हैं, आप रो वाइज जा सकते हैं या कॉलम वाइज जा सकते हैं, आपका मर्जी, जैसे जा सकते हो इस कंडीशन में कैसे भी जा सकते हो। तो क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन क्या लगाते हैं कि आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू और प्लस क्या लगा लेते हैं सर जी, आर थ्री लगा लेते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां भी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और प्लस सी, और यहां पर भी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां क्या बन जाएगा हम लोग का एज इट इज जो लिख रखा है बी सी ए और सी ए बी। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे सर, ए बी सी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अच्छा, इफ ए बी सी आर अनइक्वल एंड पॉजिटिव होगा सर, हाँ यहां पर क्वेश्चन में कह जाएगा एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ए बी सी अनइक्वल है और साथ ही साथ पॉजिटिव भी है ये ए बी सी, समझ गए? आप सुधार लीजिएगा कि इफ ए बी सी आर अनइक्वल एंड पॉजिटिव देन सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इतना। तो ये हो गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या आ जाएगा, वन 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 बी सी ए सी ए बी। अच्छा, अब अपने को पता है कि यूं हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ गए, अपने को पता है कि यूं करने वाले हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, सी वन गोज टू सी टू और सी टू गोज टू सी टू माइनस सी थ्री।
तो हम लोग कितना आ जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही है। अब हम लोग के यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जीरो, यहाँ पर मिल जाएगा बी माइनस सी, यहाँ पर मिल जाएगा सी माइनस ए, यहाँ भी क्या मिल जाएगा जीरो, यहाँ मिल जाएगा सी माइनस ए और यहाँ मिल जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ क्या मिल जाएगा वन ए और बी तो रहेगा ही रहेगा, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इससे पता है कि प्लस माइनस प्लस से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस हम लोग का आंसर कहाँ से आएगा, वन से आएगा, तो हम लोग वन से रिलेटेड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ सर जी, ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, और हम लोग का कितना आ जाएगा, दो से तो जीरो आ जाएगा, हम लोग वन से करते हैं, तो वन से रिलेटेड क्या आ जाएगा, ये कवर कर लेंगे और ये कवर कर लेंगे, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी माइनस सी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, बी माइनस सी और ए माइनस क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस सी माइनस ए का क्या बन जाएगा, हम लोग का होल स्क्वायर बन जाएगा। तब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कितना जाएगा ए प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा सी, अब यहाँ से कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, ए बी, इसका इससे ए बी, इसका इससे माइनस ए सी, इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस बी सी, इसको जब ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, लेकिन इस माइनस के कारण प्लस वाले माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और माइनस टू ए सी जो आ रहा होगा प्लस टू ए सी बन जाएगा आपका, समझ गए। तब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जा रहा है, तो क्या देखेंगे सर कि इससे क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इससे सारी चीज़ें, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये माइनस हम लोग कहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं माइनस, ये माइनस हम लोग यहाँ लगाते हैं, इससे माइनस कॉमन लेकर, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, दिख रहा है सर आपको, इससे माइनस कॉमन ले लिए तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये आपका बच गया सी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, आपका ध्यान दीजिएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस टू सी ए, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, माइनस टू सी ए नहीं थे, एक सी ए कुछ कैंसिल हो रहा होगा, हाँ ए सी, ए सी इससे कैंसिल हो रहा होगा, हाँ क्या रहा, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, और ये प्लस टू ए सी और माइनस ए सी कितना बन रहा है, प्लस ए सी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस ए सी आ जाएगा। आपको क्वाड्रेटिक में याद होगा कि इस टाइप का रहता था, तो टू से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हाफ लगा लेंगे और माइनस ए बी सी तो है ही है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा लेते हैं कि सबको बना लेते हैं, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए। आपको क्लास में बताया हूँ कि ये स्टेप रहेगा, तो अगला स्टेप हम लोग यही करने वाले हैं, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्या कि हाफ माइनस के साथ, हाँ, और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसको क्या लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ से ए के स्क्वायर, ए ए का स्क्वायर, ए यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ टू ए स्क्वायर हो गया, एक बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो टू बी स्क्वायर हो गया, एक सी स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक सी स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो आपका टू सी स्क्वायर हो गया, और क्या आ जाएगा, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए। समझ रहे बात है सर का, अच्छे तरीके से कि क्या क्या किए, कि पहले ए बी सी को ऐड करके कॉमन ले लिए, दो सबट्रैक करके जीरो बना लिए, तो हम लोग का ये सब आना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे, तो इससे आपको बताएंगे कि बस अगला स्टेप आपको याद ही रखना है, कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर रहता है, तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये बन जाए, क्योंकि ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए इस स्टेप को लाने का, आपको स्टेप को याद रखना पड़ेगा। हम क्वाड्रेटिक में इस टाइप का दो तीन क्वेश्चन लिए होंगे। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है बेटा, कि ए और बी और सी तीनों क्या है, अनइक्वल है, इक्वल तो है नहीं, मतलब कि ए भी अलग है, बी कुछ और है, सी कुछ और है, तो ए और बी कभी, ए बी कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो, इसी तरह बी सी कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी ये भी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब जीरो का तो लफड़ा खत्म हो गया। अब कौन बड़ा कौन छोटा ये भी नहीं पता है, तो मतलब जो भी छोटा बड़ा रहे, निगेटिव आए पॉजिटिव आए, परफेक्ट स्क्वायर इसको हमेशा क्या करेगा, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो हो, जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बराबर है ही नहीं, इसी तरह यह भी ग्रेटर देन जीरो, इसी तरह यह भी ग्रेटर देन
जीरो। तो ये पूरे ओवरऑल क्या बन गया सर जी, ये पूरे तरह से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ग्रेटर देन जीरो प्लस ग्रेटर देन जीरो प्लस ग्रेटर देन जीरो। और ए प्लस बी प्लस सी आपको पहले ही लिख रखा था कि ए बी सी क्या बेटा पॉजिटिव है, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पूरे ओवरऑल जो यहां तक का टर्म था सर, ये हमारा पूरे तरह से क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव तो क्या हो जाएगा सर जी, ओवरऑल क्या बन जाएगा निगेटिव, हेंस प्रूफ। तो समझ में आ गया कैसे किए कि ए बी सी हम लोग का एड करके कॉमन ले लिए, वन वन आ गया। वन वन आने के बाद आप लोग को भी दिमाग काम करने लगता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और फिर कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेशन आसान हो गया और हम लोग क्या कर लिए बेटा सॉल्व कर लिए। तो अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर जी, देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता है, आप लोग अटेम्प्ट करना चाहिए, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और देखिए कैसे बनाते हैं बेटा, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी का मिसलिनियस क्वेश्चन, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान लिया जा रहा है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ क्या लिख रखा है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए बी सी रियल है यहाँ पे, समझ गए, और देख लेते हैं एक मिनट, ए सी आर रियल नंबर, हाँ ए बी सी आर रियल नंबर एंड दिस इक्वल टू जीरो, इतना इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो बोला है कि प्रूफ कर दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है या ए बराबर बी बराबर सी है। क्या प्रूफ करने बोला है कि अगर ये दिया हुआ है जीरो के बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है या ए बराबर बी बराबर क्या है, ये सी लिख रखे हैं, ये सी है, समझ गए, ये आपका सी है। तो बोला है प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करते हैं, देखते हैं सर कोई पैटर्न ऐसा मिला ये कि जिससे क्या मिल जाए कॉमन मिल जाए आपको, समझ गए बातें। तो देखिए क्या करते हैं कि ऐसे ऐड करने की कोशिश करते हैं, बी बी टू बी, सी सी टू सी, ए ए टू ए, चाहे इधर से भी कीजिएगा तब पर भी वही बात आने वाला है। तो मतलब फिर से कॉमन मिल रहा है क्या बट्टे, कि आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू और प्लस कितना आ गया हम लोग का आर थ्री आ गया। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आप बनाइए, बनाइए आप क्वेश्चन को, खुद से बनाइए क्वेश्चन को। तो कितना आ गया कि जैसे हम लोग ये ऐड करने आते टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ रहा, तो 2 को क्या कर लिए कॉमन ले लिए और a प्लस बी और प्लस क्या बना लिए c बना लिए। इसी तरह यहां पर भी आ गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह यहां पर भी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ गया हम लोग का, समझ गए। अब बाकी एज इट इज रहने देते हैं, जो लिख रखा है वो रहने देते हैं, c प्लस ए है, a प्लस बी है आपका, a प्लस बी है, b प्लस सी है, b प्लस सी यहाँ भी बेटा, और C प्लस ए यहाँ भी है, किसके बराबर है जीरो के बराबर है। तो क्या करते हैं ये वाला चीज़ हमारा कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आकर क्या बन जाएगा हम लोग का टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना आ गया वन आ जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा और यहाँ भी हम लोग का वन आ जाएगा, यहाँ से सी प्लस ए आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी आ जाएगा। अब हम लोग जान ही रहे कौन प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, समझ रहे बात को, अब जीरो बना लेंगे इसको, बी प्लस सी आने वाला है और यहाँ से आने वाला है, यहाँ से भी बी प्लस सी और सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, अब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि सी वन गोज टू सी वन माइनस सी टू और सी टू गोज टू सी टू माइनस सी थ्री, तो हम लोग का आ जाएगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और हम लोग का बन जाएगा यहाँ पर क्या जीरो, यहाँ पर हम लोग का क्या बन जाएगा जीरो, यहाँ पर इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी प्लस ए माइनस बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सी माइनस बी, यहाँ से बच गया सी माइनस बी। जब इसको बेटा इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए माइनस सी, आ रहे बातें समझ में। इसको इससे किए जीरो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किए ए प्लस बी माइनस सी, तो आ जाएगा ए माइनस सी, और बी प्लस सी सी प्लस ए, तो सी से सी कैंसिल बी माइनस ए, इसको एज इट इज रहने देंगे वन बी प्लस सी और सी प्लस ए,
इज इक्वल टू जीरो। अपने को पता है कि यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस वन से हमारा आंसर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, हमारा आंसर बेटा आ जाएगा वन से, और ये वन आ जाएगा, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि कितना आ जाएगा, सी माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस ए, और माइनस आ जाएगा आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं अच्छे तरीके से, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए सी, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी। समझ में आ रही बातें? अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से आता माइनस टू ए सी, तो बन जाएगा बेटा प्लस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग यहाँ से कितना आ जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ हम लोग का हो जाएगा, फिर से माइनस ले लेंगे कॉमन, आपको पता है क्या आने वाला, आपको पता है बिल्कुल पता है कि क्या आने वाला है, माइनस ले लिए टू कॉमन, आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस कॉमन आते ही हम लोग का बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस टू ए सी और माइनस ए सी, तो प्लस ए सी तो माइनस ए सी हो ही जाएगा, आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, जीरो। अब मेरे पास जगह नहीं है, हम थोड़ा सा हट के लिख लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना, लिखा ही जाएगा हम लोग का, यहाँ लिख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं कि ये जो टू है, अब टू बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अब टू तो हमारे पास है ही है, तो इस टू को क्या करते हैं, अंदर लेते चले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, अंदर ले जाते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये स्टेप लिख रहे हैं, ये स्टेप यहाँ के बाद आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, कितना आ जाएगा कि ये तो हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो हम क्या करते हैं मिटाते हैं एक स्टेप, थोड़ा सा ये इतना मिटा लेते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो माइनस तो कोई काम का है नहीं, तो इसके मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि या तो आइदर ये जीरो या आइदर ये जीरो। कितना आ जाएगा, देयर फोर कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, जीरो। और कितना आ गया कि ये पूरी तरह से जीरो हो गया, मतलब कि ये पूरी तरह से जीरो होने का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो तीनों टर्म का जीरो होने का मीनिंग कितना हुआ बेटा कि या तो ये जीरो हुआ होगा या ये भी जीरो हुआ होगा, ये भी जीरो हुआ होगा, तीनों एक साथ जीरो हुआ होगा तभी ये जीरो कहलाएगा। समझ गए, कितना हो गया ए माइनस बी बराबर जीरो, बी माइनस सी बराबर जीरो, और c माइनस ए बराबर क्या हुआ होगा, जीरो। तो हम लोग का आ गया a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, हेंस देयर फोर क्या लिख सकते हैं, a बराबर b बराबर c। आ गया अच्छे समझ में, फिर से बता देते हैं एक बार कि क्या किए, तीनों को पहले ऐड कर दिए, वन वन आ गया, और उसके बाद तो सिंपल बेटा कैलकुलेशन था, तो हम लोग अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर लिए, तो आप नोट कर लो अच्छे तरीके से। हाँ, आपको कोई अगर दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके फोन करके कैसे भी करके पूछ सकते हो आप। हाँ सर, देखिए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन ये, समझ गए, ये आपका बी स्क्वायर है, हाँ बी स्क्वायर एक्स क्या दे रखा है बेटा कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू दे रखा है गिवेन। तो बोला ये हमारा एफ एक्स है, ये कितना डिग्री का है, समझ गए, ये एफ एक्स जो है आपका ये कितना डिग्री का है, डिग्री का पूछ रहा है, ये एफ एक्स कितना डिग्री का है, दो डिग्री का है, तीन डिग्री का है, जीरो का है, और डी इक्वल टू वन दे रखा है। हाँ, डिग्री का मतलब जैसे हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जी, इतना है, ये पॉलिनोमियल है हमारा। तो कितना डिग्री का हुआ, टू डिग्री का हुआ, इसका हाईएस्ट पावर डिग्री कितना हो गया, टू हो गया, समझ गए बात को।
बाहर से खोलो बाहर। हाँ क्या है क्या है, क्या पढ़ाई करने हैं? हाँ देखिए कितना टिकट डिग्री का। तो हम लोग का सबसे पहले कि जो गिवेन दिया हुआ वो यूज कैसे किया इसे, अब सोचिए बेटा कि हम ऐसे 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 अगर ऐड करते हैं तो सिर्फ हमारा कितना आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा, जबकि जो हमारा गिवेन है कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। आ रहा समझ में? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो बैठो आराम से, समझ में नहीं आता बैठो आराम से। हाँ दो मिनट रुको आराम से। हाँ जाओ यहाँ से निकलो जल्दी। तमाशा बना कर रख दिया है सब, पता नहीं चलता कि पढ़ाते रहते हैं। दिमाग खराब। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना, सिर्फ इस तरफ से ए स्क्वायर आ रहा, जबकि हमारा गिवन कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू है। तो हम लोग यूज कैसे करेंगे बेटा, हम लोग बहुत क्लियर पता चल रहा कि हम लोग अगर ऐसे 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 यूज करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कम से कम तीन टर्म तो आ जाएगा हमारा, समझ रहे बात को? बस दो मिनट। हाँ तो हमारा कम से कम तीन टर्म तो आ जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन इस तरफ से नहीं आएगा, तो हम ऐसे 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 ऐड करने वाले हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करते ही हम लोग का जो एफ एक्स है वो दिखाई देने लगेगा कुछ यू टाइप का कि वन प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स इससे और बी स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, क्यों ऐसे ऐड हो रहा ना, बी स्क्वायर इससे आ जाएगा एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, समझ गए बात को? फिर यहाँ कितना आ जाएगा कि इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ से ऐड किए तो आ जाएगा प्लस वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर एक्स, और सबको क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं, इसको भी इसी तरह ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा x और ए स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स ये हो गया, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस बी स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस वन प्लस सी स्क्वायर एक्स, बाकी एज इट इज आप लिख लीजिएगा। हाँ अभी कोई हमको जरूरत नहीं है खास, ये और ये आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर लिख लीजिएगा, समझ गए बात को? आप एफ एक्स इक्वल टू लिख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं बेटा एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, सो देखते हैं कितना आ जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि वन बाकी सारा एक्स का टर्म है, तो वन को लिख देते हैं और x को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा x को कॉमन लेते हैं, क्यों सिर्फ ये वन है बाकी सारा x ही का टर्म है, तो x को कॉमन लेते ही हमारा एक बेटा देखो x ये और x ये जब कॉमन आया होगा तो 1 प्लस 1 2 बन गया होगा, हमारा बन गया होगा 2 बन गया होगा, ये x और ये x, फिर कितना टर्म बच गया, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, और कितना बना लिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना बना लिया होगा सी स्क्वायर। इसी तरह इसमें से क्या आ जाएगा कि हमको ये वाला एक तो बचा हुआ है तो एक यहाँ लिख लेंगे, इसी तरह इसमें भी सभी x कॉमन दिखाई दे रहा है तो एक से यहाँ से है और एक x यहाँ से है, मतलब कि ये x कॉमन आ गया तो ये 1 बन गया होगा, ये भी 1 बन गया होगा, और 1 1 कितना होता है 2 होता है, शायद यही होता है ना, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बच गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना बच गया अपन लोग का सी स्क्वायर। इसी तरह वन यहाँ से भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा ये वन और यही बचेगा हम लोग का, यही बचने वाला है, और टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी एज इट इज आप लोग यहाँ 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 लिख लीजिएगा, जरूर से जरूर लिख लीजिएगा सर, ये आप ही के लिए है। हाँ आप ही के लिए। तो अब देखो बेटा क्या दिया हुआ है गिवन में हमारा, क्या दिया हुआ कि जहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा वहां पे क्या लगा लेंगे, माइनस टू लगा लेंगे, और माइनस टू लगाते ही टू और माइनस टू हम लोग का हो जाता है जीरो, तो हमारा सारा टर्म बन गया जीरो, तो ये वाला टर्म हो गया जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया जीरो, तो बच गया सिर्फ वन 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 बचते, तो आप स्टेप कर लीजिएगा यहाँ पर माइनस टू लगा लीजिएगा पहला स्टेप की माइनस टू फिर जीरो, आप जितना करना होगा स्टेप कर लेना, हम सीधा वन वन लगा के प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये वन वन ऐसे आया होगा तो ये ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी काम करेगा
वो काम करेगा आर वन गोज टू आर वन माइनस आर टू और आर टू गोज टू आर टू माइनस आर थ्री। ये प्रॉपर्टी काम करते ही हमारा काम करने लगेगा, ये वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये वाला था ही नहीं। अब क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ, क्योंकि ये तो आई जी टी जाते ही जा रहा है, समझ गए। तो ये और ये सब्ट्रैक्ट होते ही तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स, और ये बन गया बी स्क्वायर एक्स, और ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस वन और माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ एक्स माइनस वन। अब वो कहाँ लिखाएगा, ये वन माइनस वन जीरो यहाँ, और ये वाला यहाँ पे आ गया कितना बेटा, एक्स माइनस वन। इसी तरह हम लोग का ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये तो बिल्कुल तरीका से जीरो दिखाई दे रहे हैं बाबा। अरे हम लोग गलती तो नहीं कर रहे, ये नहीं सही है, और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा जीरो, सही कर रहे हैं ना। पर एक्स माइनस वन आ रहा, ये वन प्लस सी स्क्वायर एक्स, वन प्लस सी स्क्वायर जीरो ही तो होगा ना। अब इसी तरह क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा जीरो। फिर हम लोग का ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग का आ जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स, और ये से ये कट गया और आ जाएगा वन माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस एक्स, और ये इसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स यहाँ से, और सी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और ये तो एज इट इज रही जाएगा, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये रह जाएगा, फिर वन प्लस बी स्क्वायर एक्स रह जाएगा, ना 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 यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स, और यहाँ से आ जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस सी स्क्वायर एक्स। ये हमारा एफ एक्स चल रहा है, समझ रहे बात को, ये हमारा क्या कहाँ गलती है, थर्ड रो ये वाला वन प्लस बी स्क्वायर एक्स, सही बोले बिल्कुल जी, आप ना रहते तो गलती ही मेरा, लेकिन कंसंट्रेशन तेरे ही कारण गड़बड़ा रहा है, हाँ। तो अब सॉल्व कैसे कर देते हैं, इस तरह सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर तो बस इतना ही आने वाला है, तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कवर और ये कवर, मतलब कि ये पूरे तरह से कवर, ये पूरा ये जीरो, इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो, कहानी खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और आ जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ देखिए सर जी, एक हम लोग बहुत प्लंडर मिस्टेक कर लिए थे, वो भी किसी कारण कर लिए थे, हाँ थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अचानक कोई बीच में आ गया था, तो गलती क्या हो गया था बेटा, कि हम लोग का यहाँ पे वन था और हम कुछ और लिख दिए थे, हाँ तो हम लोग यहाँ पर वन कर लिए, तो वो सुधार लिए, हाँ वन आ गया, तो दो जीरो इस तरफ आ गया, तो हम लोग प्लस माइनस प्लस सीधा से सॉल्व कर लिए, तो हम लोग का ये कवर और ये कवर हो गया, तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, ये हमारा बन गया जीरो। तो अब यहाँ से सिंपल कितना, जो हमारा एफ एक्स जो चलते आ रहा था, हम लोग का जो एफ एक्स चल रहा था, एफ एक्स ये हमारा कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो हम लोग का डिग्री कितना हो गया, हम लोग का डिग्री कितना हो गया टू, तो हम लोग का आंसर हो गया सर जी, कहाँ है कहाँ, हाँ ए हम लोग का आंसर हो गया। चलिए सर लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ मतलब